नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बंदोपाध्याय का आज सुबह कोरोना से निधन हो गया है। असीम पिछले एक माह से कोरोना से संक्रमित थे, उनका उपचार चल रहा था, सुबह उनका निधन हो गया। सीएम ममता बनर्जी के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज नंदीग्राम में चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से बात की। उन्होंने नंदीग्राम में उन जगह का दौरा किया जहां विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की घटनाएं हुई थी। राज्यपाल के कूचबिहार दौरे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सत्तारूढ़ दल ने दावा किया है कि धनखड़ केवल भाजपा कार्यकर्ताओं के घर पर ही गए। राज्यपाल को जिले के सीतलकुची में काले झंडे दिखाए गए जहाँ पर चार ग्रामीण चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की गोलीबारी में मारे गए थे। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देख पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक बंगाल में 16 मई से 30 मई तक यानी 15 दिनों तक राज्य में लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी। प्राइवेट ऑफिस, स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे। फल सब्जी राशन की दुकानें भी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। पंजाब सरकार कोविड मरीजों की रक्षा के लिए तैयार हो चुकी है। बोकारो से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जल्दी पंजाब पहुंचने वाली है। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस 40 मीट्रिक टन की समर्था से भरपूर होगी। ऑक्सीजन कंट्रोलर रूम की निगरानी कर रहे सीनियर आईएएस अधिकारी राहुल तिवारी ने इस संबंध में जानकारी दी है कि हम 2 ISO ऑक्सीजन कंटेनरों को खरीदने के योग्य हो गए हैं। इसके अलावा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कहा है कि पंजाब सरकार ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहा है। कोरोना काल में विपक्ष की ओर से की जा रही संसदीय समिति की वर्चुअल मीटिंग की मांग को लोकसभा और राज्यसभा ने ठुकरा दिया है। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी और संसदीय समिति की वर्चुअल मीटिंग कराए जाने की मांग की। उनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया है। देश में ऑक्सीजन की बढ़ती खपत के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि आज दोपहर जमशेदपुर से गोरखपुर के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना की गई। जल्दी ऑक्सीजन एक्सप्रेस गोरखपुर पहुंच जाएगी। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां 24 घंटे में 170 कोरोना पॉजिटिव रोगियों ने दम तोड़ दिया और इनमें से 23 रोगियों की मौत अमृतसर में हुई है। इसी के साथ राज्य में 8012 नए केस मिले। राज्य में अब तक पॉजिटिव आए 483976 रोगियों में से 11457 कोरोना से जंग हार चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से निपटने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए दिल्ली सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए हम दिल्ली से सबसे ज्यादा सबसे पहले ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के प्रत्येक जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए जाएंगे और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए घर में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने 4 दिन भूख हड़ताल पर रहने के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। दरअसल जब सुप्रीमो ने अपनी बिगड़ती सेहत को देखते ये फैसला लिया है। डॉक्टरों ने कहा है कि भोजन न करने से इम्यूनिटी पावर घट रही है, किडनी में इन्फेक्शन, सांस में तकलीफ, हार्ट की समस्या है। इसलिए तत्काल भोजन ग्रहण करने का दबाव था जिसके तहत उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी तरफ गंगा नदी में सैकड़ों शवों के बहने के मामले भी सामने आने लगे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जो कहते थे कि उन्हें गंगा ने बुलाया है उसी ने मां गंगा को बुलाया है। गंगा नदी के किनारे सैकड़ों की संख्या में शव नजर आने से राजनीति तेज हो गई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।